देखिए, घर के कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसे हम देखते देखते बोर हो जाते हैं, हटाना भी नहीं चाहते हैं, रखना भी है और सोचते हैं कि इसका यूज़ कैसे करें कि ये नया भी लगने लगे। ठीक उसी तरह से हमने भी कुछ घर के एक दो सामान इकट्ठा करके रखे हैं, तो सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। आजकल तो जितने भी पुराने सामान हुआ करते थे वो एंटिक पीस में बिकने लगे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में महंगे मिल रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर मार्केट में हो, चेक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है तो उस चीज़ को नया बना करके खुद रख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। एंड इसी के साथ साथ कुछ रमज़ान के लिए हमने होम डेकोर भी रेडी करके रखे हैं, तो इसी वीडियो में वो भी आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल वे में हमने बनाया है, अगर अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला जो सामान है ये है एंटीक लांटेन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जंग लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है और अब हम इसे नया करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके ग्लास को हटा देते हैं। इसके रस्ट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सैंड पेपर। पूरे में अच्छी तरह से रब करते हुए इसके रस्ट को रिमूव कर देना है, क्योंकि थोड़ा भी रस्ट लगा रह गया तो पेंट छूट जाएगा, इसलिए हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और अब हम इस पर कर लेंगे पेंट। सो पेंट करने से पहले इसके ऊपर से जो पहली कोट दे रहे हैं वो है प्राइमर की। इसको लगाने से पेंट कम एब्जॉर्ब होता है, फिनिशिंग आती है और पेंट लॉन्ग लास्टिंग तक टिका रहता है। तो देखिए, हमने पूरे में इसे पेंट कर दिया है, अब हम इसे रख देते हैं सूखने के लिए। ये 90s का लांटेन है, इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को हम दिखा ही चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इस लांटेन को कम्प्लीटली न्यू करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अब हम इसके ऊपर से करने जा रहे हैं ग्रीन कलर से पेंट। लांटेन को हमने पूरा ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है, अब हम इसे रख देते हैं 24 घंटे सूखने के लिए, क्योंकि ऑयल पेंट को काफ़ी टाइम लगता है। सो इसके ग्लास को भी वॉश करके रख देते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं, पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अब हम इसके ग्लास को इसमें फिट कर देंगे। सो देखा, ये पुराना लांटेन किस तरह से नया लगने लगा। अब हम इस लांटेन में रख देंगे फेरी लाइट और किसी भी कॉर्नर पे हैंग कर देंगे, जो कि हमारे घर में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये ग्लास की कॉफ़ी टेबल है जो काफ़ी पुरानी है एंड सच में इसे हम देखते देखते काफ़ी बोर हो चुके हैं और अब हम इसका करने वाले हैं DIY। जो भी सामान घर पे पड़े हुए हैं उन्हीं सामान से हम करने वाले हैं इसका कुछ नया। तो देखिए, हमने फ्लोर पे पेपर को डाल दिया है, टेबल को हमने उल्टा करके इस तरह से रख दिया है। अब हम ग्लास को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर से कर रहे हैं वाइट पेंट। तो ग्लास के लिए हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ना तो ये एक्रेलिक पेंट है, ना ये ग्लास पेंट है, ना ये ऑयल पेंट है। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने अपनी DIY वॉल के लिए वाइट पेंट मंगवाया था, तो उसी में से बचा हुआ था, उसी पेंट को हम इस ग्लास पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में कभी हटाना हुआ तो इजिली हम इसे हटा सकते हैं। सो इसमें हमने 3 लेयर की है वाइट पेंट से। तो देखिए, पेंट ड्राई होने के बाद हमने इस टेबल को सीधा कर दिया एंड आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टोन का टेबल बन गया हो। अब इस टेबल को थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये ग्राउंडिंग टेप, जिसे हमने अमेजन से बाय किया था, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसे हमने अपनी टाइल्स की ग्राउंडिंग को हाइड करने के लिए यूज़ किया था। बट आप इस टेप को मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, अगर देखना हो तो चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, इस टेप से हमने इसके ऊपर क्रिस क्रॉस पैटर्न बना दिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये बोरिंग सी टेबल हमें बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। सो इस तरह से आप भी अपने घर के पुराने सामान को नया कर सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट DIY है स्टार पिलो। स्टार पिलो बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले ये पेपर, कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है वाइट पेपर, क्योंकि इसमें मार्क करने पे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने इसकी लंबाई ले ली है 16 इंच और एक्स्ट्रा पेपर को कट करके हटा दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है 6 इंच। अब हमने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच। कॉर्नर को हमने ज्वाइन कर दिया है। 3 इंच चौड़ाई के जस्ट ऊपर हम लेंगे ये 7 इंच और इसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम आ जाएंगे नीचे साइड, तो ये हमने नाप ली है 10 इंच और 10 इंच की नाप लेने के बाद फिर 4.5 इंच पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये दोनों लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया है। लास्ट 7 इंच पे मार्क करते हुए ये दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर देना है। अगेन नीचे साइड 12 पे मार्क करते हुए अब ये कॉर्नर को ज्वाइन कर देना है और अब हम इसे कट कर लेंगे।
देखिए स्टार पिलो बनाने का बहुत सारा मेथड है, बट इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो आपका स्टार पिलो बहुत ही परफेक्ट उतर के आएगा। एंड मेक श्योर जब भी आपको स्टार पिलो बनाना हो तो पहले आप कागज़ पे सही नाप लेकर के कट कर लें, उसके बाद फिर कपड़े पे रख करके ड्रॉ करें, देन कट करें। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले तो हमने ड्रॉ किया है, देन कपड़े को हमने 4 times फोल्ड किया है, देन अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कुछ भी आपको सिलना हो तो सबसे पहले कटिंग पे ध्यान रखें, अगर आपकी कटिंग परफेक्ट है तो कपड़ा अच्छा बनेगा और फिनिशिंग भी दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पिलो को स्टिच कर दिया है, इसके एक पोर्शन को खुला छोड़ दिया है और अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर को सीजर की हेल्प से शार्प कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सारे फाइबर को फिल कर देंगे। अच्छी तरह से फाइबर को हमने फिल कर दिया है, अब ये जो खुला वाला एरिया है इसे ट्विस्ट करके हम स्टिच कर देंगे। तो देखा कितना आसान है स्टार पिलो बनाना, और अब हम बना लेते हैं मून पिलो। तो इसके लिए सेम उसी प्रोसेस को करना है। सो पहले तो हमने पेपर पे मून बना करके कट कर लिया है, पिन से कपड़े पे लगाने के बाद इसे ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इस पेपर को हटा देंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब उसी पेपर को पिन से इस पे लगा देंगे ताकि परफेक्ट इसकी सिलाई हो जाए। और देखिए इसको स्टिच करने के बाद अब हम इसे सीधा कर देंगे, थोड़ा सा हमने इसका एरिया छोड़ दिया था जहाँ से हम फाइबर को इंसर्ट कर सकें। जितने भी फाइबर हैं अच्छी तरह से हमने इस पे फिल कर दिया है और खुले हुए एरिया को ट्विस्ट करते हुए स्टिच कर देना है। और ये देखिए 2 cute से पिलो बन के रेडी हैं। अब हम यहाँ पे 2 छोटे पिलो और बना रहे हैं, तो क्योंकि ये कपड़ा बचा हुआ था तो सोचा इस तरह से 2 pillow और रेडी कर लेते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम दूसरा DIY बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक तो फ़ोन का बॉक्स है और दूसरा मिठाई का डिब्बा है, और इसके लिए हमने लिया ये वाइट चार्ट पेपर और इसे अब हम रैप कर लेंगे। इस तरह से हमने रैप कर लिया है। बॉक्स के साइड में हमने लिखा है ग्लू से रमज़ान। अब इसके ऊपर डाल देंगे ये ग्लिटर पाउडर, तो जितना भी ग्लिटर है ताकि इस पे अच्छी तरह से चिपक जाए। अब जो भी बचा हुआ है इस तरह से गिरा देंगे। दूसरे बॉक्स में हमने लिखा है करीम, अब हम इसके ऊपर भी डाल देंगे ये ग्लिटर एंड बाकी बचा हुआ इस तरह से गिरा दें। नेक्स्ट DIY के लिए हमने लिया है ये ग्लिटर पेपर जो गोल्डन एंड सिल्वर शेड में है और इसे स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर लिया है। ये है चार्ट पेपर, इसको हम फोल्ड कर लेंगे, नीचे से ट्विस्ट करते हुए कट कर लेंगे। ये हमने लिया है वुड स्टिक जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर साइड हम इसे लगा रहे हैं। जितने भी स्क्वायर पीसेस थे इसे भी हमने पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लिख देंगे सारे नंबर 1 से लेकर 30 तक। अब हम यहाँ लिख रहे हैं रमजान करीम। पहले तो हम ग्लू से लिख लेंगे और फिर उसके बाद ग्लिटर पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा, ये हमने बनाया है रमजान 2022 का कैलेंडर। येलो ग्लिटर वाला जो आप लाइन देख रहे हैं वो है फ्राइडे वाला दिन, तो इसलिए हमने उसे येलो से हाईलाइट किया है। ये मोती की लेस है, इसे लगा देते हैं हम स्टिक साइड। छोटा सा हमने यहाँ पे मून ड्रॉ किया है, इसे कट कर लिया है और लगा दिया है इस लेस पे। ये था आज का DIY रमजान डेकोर वीडियो। सो नेक्स्ट मिलते हैं रमजान डेकोरेशन वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए।